दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों, इस समय हम मौजूद है मालवनी गेट नंबर 1 पर, जहां पर भव्य कांवड़ यात्रा 2022 निकाला जा रहा है। आइए हम बात करते हैं बीजेपी नेता विनोद शेलार जी से। शेलार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह से कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है? दो साल कांवड़िया कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दो साल की कसर तो आज दिख रही है। जगह जगह जोश है, भगवा की लहर है और हजारों के तादाद में कांवड़िया आज इस मुंबई में मलाड़ में दिख रहे हैं। हम मलाड़ में हैं, चारकोप है, मालवनी है, अंबोजवाड़ी है, कहाँ से दिंडोशी से लेकर लोग किलेश्वर मंदिर की तक जा रहे हैं और मुझे लगता है सभी बाबा के नाम का जयघोष कर रहे हैं। बम बम बोले की गूंज गूंज रही है। आपने देखा होगा केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आज भी लोगों में जोश वही है और इधर भी बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। एक हिंदुत्व जो इस देश को आगे लेके जाएगा, इस विश्व को उस विकास के चरम सीमा तक, संस्कारों के उस चरम सीमा तक लेके जाएगा, उसकी एक कड़ी यानी ये कांवड़िया है। और इस सावन के महीने में वो संकल्प करने जा रहे हैं कि हिंदुत्व यही इस विश्व को बचाएगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। हमारे साथ एंटी क्राइम एंड करप्शन के संस्थापक रमेश गौड़ जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। रमेश गौड़ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज कांवड़ यात्रा पर आप क्या कह रहे हैं? बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस कर रहा हूँ कि आज शिव भक्तों का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और शानदार जो ये भीड़ है, आप लोग पहले भीड़ कवर कर ले, फिर से बाइट लेंगे, क्योंकि भीड़ भी जरूरी है। जिस तरह के पूरे संसार को चलाने वाले महादेव कड़ कड़ में बसते हैं, आज इस कड़ कड़ का कर्ज उतारने का दिन है। आज महादेव के सेवा का दिन है। आज ये जो कोविड काल जो बीता है, ये महादेव के आशीर्वाद से बीता है और मैं फिर से नतमस्तक होता हूँ। आज बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे बीच में इतने सारे शिव भक्त हैं और हमको सेवा करने का ये मौका मिला है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं रमेश गौड़, मुंबई सचिव, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और मेरे साथ इस समय मंच पे विनोद सेलर जी हैं, विशाल जी भगत जी हैं, आर्यू सिंह जी हैं, प्रदीप गौड़ जी हैं, जो उन्होंने पूरा प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है, यहाँ के आयोजक हैं। और ये प्रदीप गौड़ जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा से ये इस तरह का सेवा भाव जनता के बीच में लाते रहते हैं। पानी हो गया, केला हो गया, या अलग अलग तरह से कोविड काल में जब ये राशन का काम करते थे, पूरे श्रद्धा और पूरे मन से ये करते थे, हजारों लोगों को इन्होंने सेवा की। तो मैं चाहूँगा कि एक बार प्रदीप गौड़ जी को खूब खूब शुभेच्छा पूरी पार्टी की तरफ से, कि ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें और शिव भक्तों का सेवा करके महादेव का आशीर्वाद इनको मिलता रहे। ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लोगों ने मुझे ये मौका दिया, अपने बीच में खड़ा होने का ये सम्मान दिया। सभी का नतमस्तक हूँ। हर हर महादेव। ये सावन का महीना है, देवाधिदेव महादेव का महीना माना जाता है, पवित्र महीना है। इंद्र भगवान, वरुण देवता भी प्रसन्न है, उन्होंने सुबह जलाभिषेक किया और कांवड़ यात्री नंगे पांव भूखे प्यासे जाकर के किलेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और उनसे इस देश के समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले तो सब शिव भक्तों को हर हर महादेव। बम बम भोले का जो ये कांवड़ यात्रा जो आप देख रहे हैं, ये भव्य, ये कांवड़ यात्रा 500 लोगों से स्टार्ट हुआ था और आज ये 50,000 की संख्या में कांवड़ियों की संख्या बढ़ चुकी है, तो ये बताता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कोरोना काल में लोग अपने आप को बचा के किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं कर पाए और जो भ्रष्ट सरकार थी उसके दबाव के चलते नहीं कर पाए, लेकिन आज हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व की मनोबल को बढ़ाते हुए हर त्यौहार को, गणपति की बात हो या कांवड़ की बात हो, डीजे के साथ में हर चीज़ की व्यवस्था के लिए परमिशन दिया गया है। इसीलिए मैं इस सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
दर्शकों, मालवनी एक नंबर पर हम मौजूद है। आज यहाँ पर भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई है। श्रद्धालु जो शिव भक्त है दूर दूर से नंगे पैर आ रहे हैं और यहाँ बहुत बड़ी रैली है। हमारे साथ बीजेपी नेता ब्रिजेश सिंह जी आए हैं, उनसे बात करते हैं। भगवान सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो कावड़ यात्रा निकाली गई उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? भगवान ठाकुर जी का कावड़ यात्रा भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए मलाड मालवनी मुंबई से हर जगह निकलती। यहाँ पर जो है मलाड से, कांदीवली से और अम्बुजवाड़ी हर जगह से आकर किलेश्वर महादेव पर भक्त जो जलाभिषेक करने जाते हैं। यह जो यात्रा है हर साल निकलती है और हम लोग अपने तरफ से शिव भक्तों को यहाँ पर स्वागत करते हैं, उनके फलाहार की व्यवस्था करते हैं तथा श्रद्धालुओं को तकलीफ न हो उसकी देख रेख करते हैं। गए दो साल मतलब कोविड के रहते बराबर से निकाली नहीं गई, आज बहुत ही अच्छे से भव्य रैली निकाली गई। इसके बारे में ये भक्तों का अपना भगवान ठाकुर जी से निवेदन करूंगा, ये अपना भक्तों का जो है मेला लगा हुआ है। एक तरह से शिव जी के जो भक्त हैं वो दो साल नहीं चढ़ा पाए, इसलिए इस बार और उत्साह से जो दो साल की कसर है उसको भी निकालना चाहते हैं। इसलिए बहुत उत्साह हर्षोल्लास से लोग जा रहे हैं और शिव बाबा को जल अभिषेक करने किलेश्वर महादेव की तरफ पैदल चल कर जा रहे हैं। शिव भक्तों को आप यहाँ क्या क्या वितरण कर रहे हैं और शिव भक्तों को क्या मैसेज देना चाहिए? शिव भक्तों के लिए फलाहार है, दूध की व्यवस्था है और मेडिकल एड की व्यवस्था है। जो भी जरूरत लगे, हमारे अपने वॉलंटियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रयास फाउंडेशन के हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी जरूरत लगेगी उस जरूरत के लिए तत्पर हैं। जो कांवड़िया यहाँ से जा रहे हैं उन कांवड़ियों की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी मराठ विधानसभा और प्रयास फाउंडेशन की तरफ से की गई है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे शिव भक्तों को और जो प्रशासन इतना अच्छा बंदोबस्त कर रहा है उसको? शिव भक्तों को तो मैसेज मैं देता रहूँगा कि दिनों दिन आप शिव की महिमा में अपना ये जो यात्रा है इसको सुधारू रखें और इस साल जो संख्या है उसकी अगले बार दोगुनी हो। जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी शक्ति बढ़ेगी और भक्ति से ही शक्ति बढ़ती है, इसलिए लोगों के अंदर सद्भावना और लोगों को जीवन सुखमय हो, यही मैं लोगों को कामना देना चाहता हूँ। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। भव्य कांवड़ यात्रा 2022 इस साल मनाई जा रही है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुंबई सचिव योगेश वर्मा जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। इस साल किस तरह से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ पर आपका जो ये मंच लगा, यहाँ क्या क्या वितरण किया जाएगा? तो दो साल कोरोना के बाद में इस साल सारे त्यौहार बहुत जोश से मने जा रहे हैं। एक तो हिंदुत्ववादी सरकार इस महाराष्ट्र में स्थापित हुई है और जोर शोर से ये त्यौहार हर साल होता है, लेकिन दो साल कोरोना जिस तरह से मुंबई ने फेस किया तो दो सालों से नहीं हो पाया, तो इस साल उससे दुगना जोश से ये यात्रा निकल रही है। हजारों कांवड़ यात्री आप देखेंगे कुछ देर में यहाँ पर इकट्ठा होंगे और फिर कांवड़ यात्रा लेकर के वो निकलेंगे। यहाँ पर हमारे मित्र प्रदीप गौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी है, उन्होंने यहाँ पर सभी भक्तों के लिए और कुछ फ्रूट का, फल का, फूल का और ये पानी वितरण का कार्यक्रम किया। वैसे ये हर साल करते हैं और इस साल भी उन्होंने और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। किस तरह से स्वागत किया जाएगा यहाँ जब कांवड़िए आएंगे और मारवे जल अभिषेक भोलेनाथ को करने जाएंगे? आपने देखा पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाएगी, फूल रखे हुए हैं, फूल की वर्षा उनके ऊपर की जाएगी। बाबा के भक्त हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, सुबह से महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, पुरुष होंगे, उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, उनके पानी की व्यवस्था की जाएगी। आगे आप देखेंगे तो उन्होंने दूध का व्यवस्था रखा है, यहाँ पर केला की व्यवस्था की गई है, तो ऐसा फ्रूट और फल और फूल की, फल और फूल दोनों की व्यवस्था इस मंच पर की गई और पीने के पानी की व्यवस्था। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम शिव भक्तों को क्या मैसेज देना चाहिए? हर हर महादेव का मैसेज, हर हर महादेव। ये वो एक बार बोलने का पूरे शरीर में ताकत आ जाती है, पूरे शरीर में जोश आ जाता है। जब पाकिस्तान की फौज सामने होती है और हिंदुस्तान के जवान हर हर महादेव कहते हुए उनके ऊपर टूट पड़ते हैं तो ये पाकिस्तानी भाग जाते हैं। ये हर हर महादेव का ये जो नारा है
ये नारा अपने आप में जोश दिलवाने वाला है। महादेव महादेव को समर्पित ये नारा। अब आप कुछ देर में देखेंगे सारे भगत यहाँ आएंगे और जोर से हर हर नारा हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। तो बस उन्हीं के स्वागत के लिए ये सारी तैयारियाँ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के स्वागत के लिए तैयारियाँ चल रही है। जब यहाँ पर शिव भक्त नारा लगाएंगे तो बहुत ही आनंद का माहौल होगा। मैं कैमरामैन जयदेव विश्वनाथ भी खबर फेस्ट में मुंबई। हमारे साथ प्रदीप गौड़ जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, आप किस तरह का यहाँ पर आपने इंतजाम किया है, आपके बारे में बताइए, और जो यहाँ पर यात्रा आने वाले किस तरह से स्वागत करेंगे? पहली बात तो सावन मास की और कांवड़ यात्रा का सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे उत्तम विकास मंच की तरफ से और हमारे नेता माननीय योगेश वर्मा जी यहाँ पर सर्वप्रथम पहले उपस्थित हुए और मार्गदर्शन दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या यहाँ पर वितरण किया जाएगा? यहाँ पे केला और पानी का वितरण किया जाएगा, फूल वर्षा किया जाएगा। पिछले साल कोविड के वजह से थोड़ा हमारे जो कांवड़ यात्रा बंधा हुआ उसमें थोड़ा उत्साह की पूरी पूरा था, लेकिन कोविड के वजह से वो पूरी तरह से मना नहीं पाए थे। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ये मलाड़ के अंदर ही नहीं, जो हिंदू बाबा अपने बांधव है वो कांवड़ यात्रा बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रदीप गौड़ की तरफ से यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी की व्यवस्था अपने जो श्रावण के मौके पर जो कांवड़ यात्री है उनके लिए पानी की व्यवस्था, केले की व्यवस्था, उसमें सहयोग हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेश वर्मा जी ने भी किया है। तो मैं प्रदीप गौड़ और योगेश वर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश की वजह से रोड खराब, कांवड़िया यात्रा के आने के लिए तकलीफ हो सकती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बीएमसी के लिए। तो आज एक पार्टी लेवल से बीएमसी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि महानगर पालिका में अभी तक जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो शिवसेना की सरकार थी, कुछ कठिनाई हमारे कांवड़ यात्रियों को अगर इस साल हुई रहेंगी तो आने वाले महापौर जो भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा तो उसको सुस्त समय हम सभी भर कर देंगे। इसी मौके पर हम देश के जनता से भी और खास करके मुंबई की जनता से भी ये आग्रह करते हैं कि जो मुंबई महानगर पालिका में चुनाव आने वाले दिनों में होगा उसके मुंबई भारतीय जनता पार्टी का महापौर लाकर एक हिंदू की एकता का प्रमाण हम आने वाले दिनों के अंदर दें। हमारे यहाँ से फल फ्रूट और बाकी सारे सबको शुभकामना है और अच्छी तरह हम लोग बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। इस साल दो साल कोरोना काल की वजह से नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल कांवड़ का हम लोग बहुत अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग कर रहे हैं और हमारे गोपाल चट्टी साहब का आशीर्वाद है जो कि हम लोग ये कर पा रहे हैं।